बच्चों, मैं रेणु मिश्रा, आपकी कक्षा चौथी की हिंदी अध्यापिका। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। यानी हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। जब इन वर्णों यानी अक्षरों को हम एक समूह में रखते हैं तब ये वर्णमाला कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि ध्वनि, मानव मुख से निकली वह ध्वनि जिसको बोलते समय कोई रुकावट नहीं होती, प्राण वायु आसानी से बाहर आती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जिन वर्णों को बोलते यानी उच्चारण करते समय ध्वनि मुख में टकराए या आवाज़ स्वतंत्र रूप से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, जैसे अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ ओ। अंग और अह अयोग हुआ हैं, क्योंकि ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वरों को मिला के बनते हैं। यानी जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जब हम व्यंजन का उच्चारण यानी बोलते हैं तो उसमें स्वर समाहित होता है, जैसे का हलंता का। वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। चार जो हमारे व्यंजन हैं, छ त्र ज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जिनकी की गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती है। बच्चों, आइए अब हम वर्णमाला देखते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, पा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा। और चार हमारे संयुक्ताक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। बच्चों, जब टा वाली लाइन देखेंगे वहाँ पे मैंने दो अलग से व्यंजन लिखे हैं, ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी है। बच्चों, वर्णमाला से संबंधित यहाँ मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं जिसको कि आपको अभ्यास करना है। प्रश्न और उत्तर के लास्ट में मैंने 12 खड़ी लिखने को बोला है, जो कि मात्राओं को मिलाकर बनती है और जिससे आप भली भांति परिचित हैं। धन्यवाद।